कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आज का कार्यक्रम अंत करें उससे पहले आपको दो बातें बता दूं. सबसे पहले इस सीजन में तेजी के कारण क्या है, जो एक्सचेंज में जो वायदा बाजार है उसके एक्सचेंज में 2 महीने पहले जो 16,000 रुपए प्रति बेल के भाव थे वो आज 19,000 रुपए हो चुके हैं. करीबन 18 से 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है. फॉरेन फ्यूचर्स जो है, जो अमेरिका का वायदा है, उसमें जो 64 सेंट का बाजार चल रहा था, 63-64 सेंट जुलाई महीने में, आज वो 70 सेंट के करीब है. उसमें भी 10% की बढ़ोतरी हुई है. तो इस बढ़ोतरी का क्या कारण है? सबसे पहला कारण यह है कि सीसीआई ने अपना माल बहुत अच्छी मात्रा में बेचा है. करीबन 55 लाख गांठ सीसीआई ने गए सीजन की इन लास्ट 2 महीनों में बेची है. 60 लाख गांठ के करीब वो पहुंच गए हैं. ये बहुत अच्छी बात हुई है. जो इतना बड़ा स्टॉक उनके पास था, नई सीजन शुरू करने से पहले उस स्टॉक का क्या होगा, जो जिस चिंता में बाजार नीचे जा रहा था उस चिंता से अब बाजार थोड़ा उभर रहा है. दूसरा मुख्य कारण यह है कि निर्यात, भारत में निर्यात जो बीच में बिल्कुल कोरोना काल में बंद हो रहा था, हो गया था, वो वापस शुरू हो गया. सिर्फ रुई का ही नहीं, सूते का भी निर्यात बहुत अच्छी तरह शुरू हो गया है. और कुछ हमारे कुछ जो मिले हैं वो तो नवंबर एंड तक, दिसंबर एंड तक अपने एक्सपोर्ट बुकिंग के लिए ऑलरेडी कंफर्मेशन दे चुकी हैं. तो ये दूसरी अच्छी बात थी. तीसरी अच्छी बात, बारिश की वजह से सीजन लेट हो रही है. आज ये अक्टूबर सितंबर महीने में जो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी आवक आ जाती है वो कम आई है. अक्टूबर महीने में महाराष्ट्र, गुजरात, इन कर्नाटक, इन सेंटरों में अच्छी खासी आवक हो जाती है शुरू, वो इस साल अभी तक नहीं हुई है. तो बारिश की वजह से पहले पैकिंग को थोड़ा नुकसान तो हो ही रहा है, तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है किसान भाइयों, लेकिन डीले भी हो रहा है. ये कारण है, तीन कारण है बाजार को पकड़ के रखने में या बाजार को बढ़ाने में. अब ये बाजार नीचे क्यों जा सकता है, ऐसे क्या कारण है कि बाजार को नीचे की तरफ ले जा सकते हैं आगे चल के? सबसे पहला कारण, बहुत बड़ा क्रॉप. भारत में कॉटन का क्रॉप बहुत अच्छा होने जा रहा है. इसमें कुछ लोगों को अभी भी शंका है, कुछ लोगों को शंका नहीं है. हम क्योंकि इतने सारे 1 लाख किसानों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, अभी भी हम 50-50 में हैं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रॉप होगा तब जब फर्दर का क्रॉप आपको बहुत ज्यादा आएगा. फर्स्ट पिकिंग में काफी जगह डेवलप हुआ है लेकिन लास्ट ईयर से कम क्रॉप तो नहीं दिख रहा है. 360 लाख बेल का लास्ट ईयर क्रॉप आया था, उससे कुछ न कुछ बढ़ के इस साल होगा. कोई मेजर रोग इस साल कपास में नहीं आया है. दूसरा कारण मंदी आने का ये हो सकता है, अनसोल्ड स्टॉक, अभी तक न बिका हुआ माल. ऐसा करीबन 1,07,00,000 गांठ इस गए सीजन के अंत में भारत में रही, जो इतिहास में सबसे ज्यादा अनसोल्ड स्टॉक है. आज तक 1 करोड़ गांठ के ऊपर भारत में कभी भी न बिकी हुई ऐसे नहीं रही है. सीसीआई के पास भी कुछ सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड, बेचा हुआ पर लिफ्ट न किया हुआ माल भी पड़ा है. तो वो भी एक बोझा है जो इतने सालों में इतना बड़ा फिगर कभी नहीं आया है. तीसरा जो मंदी का कारण हो सकता है वो है बाइंग डिमांड, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ बुरे असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी पड़े हैं. तो जो डिमांड है, जो मांग है, वो पूरी तरह से जागरूक होकर नहीं आती है. और चीन एक आयातकार के रूप से पूरी तरह जब खुल के बाहर नहीं आता है तब तक हम ये कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते कि आज के भाव आगे भी बढ़ते ही रहेंगे. तो तीन कारण मैंने आपको बताए तेजी के, तीन कारण आपको बताए मंदी के. कॉटन गुरु हर महीने एक मार्केट रिपोर्ट का वीडियो जो आपको निकालता है वो आपको इसमें और डिटेल जानकारी मिलेगी. हर वीक में हमारे जो न्यूज़लेटर में, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपते हैं उससे आपको जानकारी मिलती रहेगी. लेकिन किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब ऐसे ही होगा ऐसा सोच के नहीं चलना. न हमने कोरोना के बारे में कभी सोचा था और आज इतिहास में इतना बड़ा रोग आज तक हमने कभी देखा भी नहीं है और 21वीं सदी में भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं. तो किसी भी चीज में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, अपना रिस्क अपने हिसाब से मैनेज करना है और समय के हिसाब से चलना है. यही हमारा आपके लिए सूचन है.